मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र की नवीन मंडी में व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा के मुनीम उनके ऑफिस के सामने से बाइक सवार तीन बदमाशों ने 4 लाख रुपए की लूट की। जैसे ही घटना की जानकारी व्यापारियों को लगी तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष ने नई मंडी पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। नवीन मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष ने बताया कि मुनीम बैंक से 4 लाख रुपए लेकर आया था। जैसे ही ऑफिस के सामने आया तो बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनकी स्कूटी को गिरा दिया और पैसे सहित स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना तो ऐसा है, ये मेरे मुनीम जी बैंक से आ रहे थे और पैसे लेकर आ रहे थे, तो यहाँ बदमाशों ने उनसे लात मार के स्कूटर और पैसे दोनों छीन लिए। और ये बड़ी दुस्साहसिक वारदात है जो मंडी के अंदर हुई। कितने पैसे थे? कहाँ से? बैंक से 4 लाख विड्रॉल करे थे, 4 लाख रुपए थे भैया। कितने बदमाश देखे गए? 3 बदमाश देखे गए हैं। क्या उन पर कोई हथियार? ये मंडी में इतनी बड़ी घटना, हथियार तो होगा ही उन पर, जो भी है बिना हथियार के तो कौन बदमाश आ रहा है अभी? देखिए, ये नई मंडी थाना क्षेत्र में जो गुड़ मंडी है, इनके एक व्यापारी हैं, ये आज बैंक से अपना कैश लेकर आए। इनको कुछ बदमाशों के द्वारा फॉलो किया गया, फिर एक जगह पे आके इनकी स्कूटी को लात मारते हुए स्कूटी गिरा दी और उसके बाद इनकी स्कूटी लेके भाग गए जिसके अंदर वो कैश रखा हुआ था। संपूर्ण जो प्रकरण है उसकी हम लोगों के द्वारा जाँच की जा रही है, सारे एंगल्स पर देखा जा रहा है और बहुत ही जल्दी इन बदमाशों को पकड़ के इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने की लूट उठाई जा रही है? जो व्यापारी हैं उनके द्वारा 4 लाख का कैश बताया गया, वो भी अभी इस बारे में श्योर नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बताया है उसी चीज़ को मानते हुए सारी चीज़ की जांच कर रहे हैं। सर, व्यापारी कहने पहली ऐसी घटना है कि मंडी के अंदर हुई है, उससे कितनी गंभीर? वो देखिए, सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं और देखिए, लूट की घटना है वो कहीं भी, वो हमारे लिए उसकी जो सीरियसनेस है वो किसी भी लूट की घटना की कम नहीं होती है। और जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में पूर्व में भी अपराधियों ने जिस प्रकार से लूट की घटना करने की कोशिश की, उनका जिस प्रकार से कठोर कार्रवाई की गई है, इस मामले में भी आप निश्चिंत रहिए उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करते हुए मैसेज दिया जाएगा कि जनपद में लूट की घटना कारित करने वाले अपराधियों का क्या हल किया जाए। सर, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दिन में लूट होना एक बहुत बड़ी, सारी चीज़ों पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, बहुत जल्दी इन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।